इस वीडियो में हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे कि अगर कोई बहुपद है तो उसको दो हिस्सों में या दो से ज़्यादा में कैसे तोड़ सके, ठीक है। गुणनखंड करना है हमारे चैप्टर में क्या है, पॉलिनोमियल है वो भी दो डिग्री के, तो दो घात के जो बहुपद हैं उनका गुणनखंड आइए सीखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स क्या बोलते हैं बच्चों इसको, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो दो घात का एक क्या होता है, बहुपद दिया होता है, ठीक है। दो घात का क्या रहता है, बहुपद, दो घात का बहुपद किस पैटर्न में होता है बच्चों, बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये जो है क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री टू, टू डिग्री का जो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इसको कैसे गुणनखंड करना है, तो आपका टारगेट क्या रहता है, दो नंबर इस तरह से सोचने हैं कि ऐड करने पे बीच वाला आना चाहिए और गुणा करने पर कौन सा आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कौन कौन से इसके गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले इसको क्या नाम दोगे बच्चों, पी एक्स नाम दोगे। सबसे पहले लिखोगे माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छः है, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना है, आपको क्या करना है, दो नंबर सोचना है, ऐसे दो नंबर्स को सोचो जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, छः आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर पाँच आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले छः के क्या करना है, छः को क्या क्या लिख सकते हो बच्चों, तो छः को जानते हो क्या लिख सकते हो, एक तो एक गुणित छः भी होता है और इसी को दो गुणित तीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हमको कौन सा वैलिड करना है ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं जैसे एक और छः ले लिया, ठीक है, एक गुणा छः करने पर छः तो आता है, लेकिन एक और छः को जब घटाऊंगा तभी पाँच आएगा, ठीक है। यानी कि सिक्स माइनस वन करूँगा तभी पाँच आएगा, लेकिन फिर गुणा करूँगा तो ये मेरा दूसरा नंबर हो गया, तो छः गुणित माइनस एक करूँगा माइनस छः आ जाएगा, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। तो कौन सा लेना पड़ेगा, दो और तीन, देखो दो और तीन का गुणा करते हो तो बच्चों कितना आता है, छः, और दो और तीन को जोड़ते हो तो कितना आता है, पाँच आ रहा है। तो यही चीज़ें मेन हैं आपके लिए कि गुणा करने पर छः आना चाहिए और अगर दोनों को जोड़ूंगा तो पाँच आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हम इस एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स को तोड़ सकते हैं, कैसे, p ऑफ x बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स था, अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर अपने जगह है, इस पाँच के जगह दो प्लस तीन लिखूँगा, कितना लिखूँगा बच्चों, टू प्लस थ्री लिख दूँगा, और x अपने जगह है और छः के जगह आपको छः ही लिखना है, ठीक। अब ये अंदर गुणा होगा, मतलब सिर्फ पाँच को ही, बीच वाले टर्म्स को ही फैक्टराइज करना है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, ये अंदर जाएगा, धन दो एक्स के साथ जाएगा, धन तीन एक्स के साथ जाएगा, प्लस का छः लिख देना है। चाहो तो छः के जगह आप ये दो गुणित तीन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बच्चों देखो कॉमन निकालो, इन दोनों से क्या करना है आपको, कॉमन निकालना है, ठीक है। या तो आप इसको चाहो तो छः को कैसे लिख सकते हो, छः को दो गुणा तीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो गुणा तीन वो छः अपने जगह है। अगर मैं बोलूँगा यहाँ से बताओ सेम क्या है, तो एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा बच्चों, एक्स बच गया यहाँ से और यहाँ से एक दो बच गया, एक्स कॉमन लिया आपने, एक्स को कॉमन करोगे तो एक्स बचेगा प्लस यहाँ से दो बचेगा। यहाँ से देखो दोनों में सेम क्या है बच्चों, तीन दिख रहा है, तो तीन को आपको कॉमन कर देना है, तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स, यहाँ से दो बचेगा। अगला लाइन क्या रहेगा आपको, एक्स धन दो, एक्स धन दो दोनों साइड दिख रहा है तो एक्स धन दो को कॉमन कर देना है। जैसे ही ये बाहर निकलेगा, ये और ये बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा और यहाँ से तीन बचेगा। तो ये जो है फैक्टराइजेशन हो गया इस चीज़ का। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ किसी बहुपद को, वो भी कौन से, एक्स स्क्वायर धन पाँच एक्स धन छः को मैं फैक्टराइज कर दिया एक्स धन दो में गुणा एक्स धन तीन में। यानी इस चीज़ को इस तरह से लिखा जा सकता है। समझ में आया बच्चों, नहीं आया समझ में, चलिए एक और एग्जांपल आपको सिखा रूँगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर दे दिया जाए, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स
धन दो। ध्यान देना यहाँ वन ही होना चाहिए, इनकेस अगर कोई नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लाई लास्ट से कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ वन है, ठीक है वन है, तो आपको क्या करना है, पहले दो नंबर सोचने हैं, दो नंबर आपको सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, दो आता है। तो देखिए दो नंबर अगर मैं बात करूँ, रफ वर्क कौन सा, देखो मैं बोलूँगा एक गुणित दो, ये भी तो दो होता है, ठीक है वेरी गुड। और किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो दो और एक दिख रहा है यही होता है। तो आपको क्या करना है, अगर इसको तीन भी लाना है कोई दिक्कत नहीं है, एक धन दो करोगे तो तीन भी आ जाता है, इन्हीं को जोड़ना है और इन्हीं को गुणा करना है। तो मेरा टारगेट क्लियर हो गया, यानी कि जहां दो दिख रहा है उसके जगह एक गुणी दो लिखूंगा, जहां तीन दिख रहा है उसके जगह एक धन दो लिखेंगे। या आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आया यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस इस तीन के जगह ये लिखना है, आपको क्या लिखना है, एक धन दो लिख देना है बच्चों, ठीक है, और प्लस दो के जगह एक गुणी दो लिख देना है। अगला काम क्या रहेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपने जगह रहेगा, ये x का अंदर गुणा करोगे, x का अंदर गुणा करोगे x इंटू एक्स, एक एक्स प्लस दो का गुणा करोगे दो एक्स हो जाएगा, प्लस एक गुणित दो अपने जगह रहेगा। अगर मैं बोलूँगा यहाँ से बताओ दोनों से सेम सेम कॉमन क्या है, तो आपको यहाँ से और यहाँ से हमेशा दोनों से ही निकालना है, तीन दोनों से देखोगे x बस बाहर आएगा क्योंकि यहाँ दो बार है, तो एक x बच जाएगा, यहाँ से ये निकल गया तो बस सिर्फ वन बच रहा है। प्लस यहाँ से देखो दोनों में सेम सेम क्या है, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स है, यहाँ पर 1 इंटू टू है, तो दो तो दोनों जगह है, तो दो यहाँ से भी निकाल दिया, क्या बच जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से एक बच जाएगा। अगला काम क्या है बच्चों, x प्लस वन को आपको कॉमन करना है, तो ये x प्लस वन बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से ये और ये बाहर निकल गया, तो क्या बच गया बच्चों, x प्लस टू मिल गया, यानी कि ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, एक्स स्क्वायर धन तीन एक्स धन दो का गुणनखंड कैसे करेंगे, x प्लस वन और x प्लस टू। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट में करिएगा ज़रूर, अगर समझ में ना आए तब, और यदि समझ में आ जाए तो बिल्कुल एक आपको लाइक करना ज़रूर है, लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। बोलोगे ये कौन सा दिमाग लगा रहे हो सर, हैं सोच रहे होगे आप लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर सामने में अगर कोई नंबर आ गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं तीसरा एग्जांपल, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब अगर मैं तीसरा एग्जांपल की बात करूं, जैसे लिखा हुआ है 6x^2 माइनस 5x माइनस 6, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा गुणनखंड लिया जाए। तो सबसे पहले इसको पी एक्स बराबर ले लो, कितना लिखोगे 6x^2 माइनस 5x माइनस 6। अब मैंने आपको सिखाया था सामने में एक होना चाहिए, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 6, तो आपको इसका यहाँ से गुणा करोगे और कितना हो जाएगा बच्चों 6 × 6 माइनस 36। यहाँ पर जो है माइनस 36 दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितना दिखाई दे रहा है बच्चों, माइनस का 36 दिखाई दे रहा है। तो अब आपको रफ में जाना है, रफ में उन नंबर को सर्च करो जिसका गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है। तो आप बोलोगे सर अगर हम लोग 18, ये भी कितना होता है 36 ही देता है, 2 × 18 भी 36 होता है, और 3 में देखेंगे तो 3 × 12 करूंगा तब भी 36 होगा, 12 × 36। 4 में देखोगे तो 4 × 9 करोगे, 9 × 36 अभी भी दे रहा है 36। 5 में देखोगे तो नहीं होगा, 6 में देखोगे तो 6 × 6 36 हो जाएगा, और 12 में देखोगे तो 12 × 12 = 36 हो जाता है, 12 × 1 ये भी 36 होता है, और अगर देखो 18 × 36 ये भी होता है, तो और देखोगे तो 36 × 36 ऐसे भी मिलेंगे, 36 × 1 = 36। तो ऐसे हमको बहुत सारे टर्म्स के मिल जाते हैं, ठीक है। इन नंबर को क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा इसमें से वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। बात को समझ रहे हो, 18 × 2 करोगे तो भी 36 होता है, 3 × 12 करोगे तब भी 36 होता है, 4 × 9 करोगे तब भी 36 आता है। तो 36 तो इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। अब इनमें से कोई एक हमारा सॉल्यूशन बनेगा, तो क्या करना है आपको, इनको जोड़ के देखना है, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ो ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, इसमें से जो है ऐड करने पर या सबट्रैक्ट करने पर बीच का आना चाहिए, बीच का मतलब कौन आना चाहिए, माइनस 5 आना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे नहीं ध्यान देंगे कि सर ये 36 कैसे आया, 36 ऐसे आया बेटा जब 6 यहाँ नहीं होना चाहिए, सामने में 1 होना चाहिए। अगर कोई नंबर आया तो उसका गुणा लास्ट से करोगे, 6 × 6 = 36 बन जाएगा, तो लास्ट में हमको लिख देना है। अब अगर मैं 18 को 2 को जोड़ूंगा या घटाऊंगा, ऐड करोगे तो पता है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और सबट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है,
16 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो केस नहीं बनेगा, ठीक है। 18 गुड़ी दो करने पे 36 तो नहीं आ रहा, मतलब आ तो रहा है 36, बट जोड़ने घटाने पे 5 नहीं आएगा। ये वाला केस 12 थी 36, बट 12 3 जोड़ोगे तो 15 होगा, घटाओगे तो 9 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। 4 और 9 में देखो चांसेस है, 6 और 6 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12, घटाओगे तो 0, ये भी नहीं हो सकता। 12 और 1 13, घटाओगे तो 5 नहीं आएगा। और 18 दूनी 2, 18 को 2 को जोड़ोगे तो 18 प्लस 2 आता है आपका कितना 20, और घटाओगे तो आपका आएगा कितना 16, जो कि ये भी नहीं है। 36 और 1 भी नहीं बनेगा। तो चांसेस कौन सा है बनने का, 4 और 9 का बनने का, क्योंकि इसको जोड़ने और घटाने पे 5 तो आता है। तो आपको हमको अब सेपरेट करना है, यानी कि 4 और 9 को लेना है, ठीक है। 4 और 9 वाले को लेना है, तो कैसा किया जाए कि माइनस 5 आए, तो माइनस 5 कब आएगा बच्चों, जब 4 और माइनस क्या कर दो, बड़ी संख्या को माइनस में लिख दो, माइनस 9 गुणा 4 करोगे तभी माइनस 36 मिलेगा, और माइनस 9 और 4 को जोड़ते हो तो माइनस का 5 मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ की माइनस यहाँ पर जो है 6, इसके जगह हम लोग ये लिखेंगे माइनस 9 और 4, बीच में माइनस 5 है, इसको क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस 9 प्लस 4 लिखेंगे। तो आपका पॉलीनोमियल कैसा बन जाएगा, तो पी एक्स बराबर मिलेगा यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 6x2 अपने जगह रहता है, इस माइनस 5 के जगह ये लिखी दी जाती है, ये वाली माइनस 9 और 4, तो क्या लिखना है इसको चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस 9x प्लस 4x है। देखो 9 में से 4 गया, माइनस 5 आ गया, और 9 चौक 36 भी होता है, और लास्ट में 6 जैसा है वैसा ही लिख देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन करना है, तो यहाँ से कॉमन देखो सेम क्या है बच्चों, तो 3 के टेबल में 6 आता है 9 आता है, और x दोनों साइड है तो 3x कॉमन लोगे, जैसे ही 3x कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, इधर से x बचेगा और 3 3 9, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से जानते हो 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन करोगे तो 2x 1x बच गया, यहाँ भी देखो 3 2 6 2x बचेगा माइनस 3, और यहाँ से भी 2 कॉमन लोगे तो 2x 2x माइनस 3 मिलेगा। तो दोनों साइड से कौन निकल गया बच्चों, 2x माइनस 3 निकल गया, और यहाँ से बच गया कौन, 3x प्लस 2 बच गया, तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। तो अगर कभी सामने में नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट वाले नंबर का लास्ट से गुणा कर दोगे, स्टार्टिंग के नंबर का लास्ट में गुणा करोगे, दो नंबर सोचोगे कि जिनको जोड़ने पर या घटाने पर बीच का आना चाहिए और गुणा करने पे 6 आना चाहिए, तो कौन सा नंबर हमने चॉइस किया, 4 और 9। फिर देखो यहाँ माइनस 5 लाने, तो आप बड़ी संख्या को माइनस कर दो, तो माइनस 9 गुणा 4 करोगे माइनस 36 भी मिलेगा, माइनस 9 में से 4 गया माइनस का 5 मिलेगा, बस जहाँ माइनस 5 है वहाँ आप माइनस 9 और 4 लिख दो, आपका फाइनल कॉमन निकालने के बाद सॉल्यूशन आ जाएगा। एक रूट वाले क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन क्या लिखा है बताओ भाई, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टराइज द पॉलीनोमियल, और पॉलीनोमियल क्या दे दिया हुआ है, 4√3x^2 प्लस 5x माइनस 2√3। तो मैंने क्या सिखाया बच्चों, सबसे पहले इसको क्या लिखो, माना px बराबर क्या लिख दो, x 4√3x^2 प्लस 5x माइनस 2√3। अब आपको मैंने सिखाया था ये सामने में नंबर नहीं होना चाहिए था, कौन सा, ये सामने में नंबर नहीं होने चाहिए थे, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ किया जाता है, लास्ट वाले से किया जाता है। तो अगर रफ में जाओ ऐसे 4√3 गुणा ये वाला कर दो 2√3, कितना आएगा बच्चों, तो ये है 4 × 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, गुणित √3 × √3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा। मतलब ये सोचो अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, तो किसके टेबल में 24 आता है, 8 3 24 भी होता है, और 8 में से 3 गया 5 भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको बस सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में जैसा लिखा है 4√3x² वैसे ही लिखो, बीच वाले टर्म्स के जगह देखो धन में लाना है तो बड़ी संख्या को धन में रखना पड़ेगा, 8x में से 3x गया प्लस का 5 आ जाएगा, और 8 में √3 करोगे माइनस 24 भी आ जाएगा। तो 2√3 जैसा है वैसे ही लिखना है, शुरू का लास्ट वाला वैसे ही लिखना रहता है, बीच के टर्म को तोड़ा जाता है, इसीलिए इसका नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइज, मध्य पद को तोड़ना रहता है। अगला काम रहता है बच्चों कॉमन निकालना, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालोगे तो सिर्फ 4 दिखाई देगा, क्योंकि 4 के टेबल में आता है, और दोनों साइड x है तो x निकाल दिया, तो क्या बच गया यहाँ पर, √3 बच गया और 1x बच गया, प्लस 4 का पहाड़ा पड़ोगे 4 2 8 2 बचेगा। सेम यहाँ से भी बच्चों इसको
क्या लिख सकते हो, तो तीन को क्या लिख सकते हैं, रूट तीन। देखो तीन को क्या लिख सकते हैं, रूट तीन गुणा रूट तीन तीन होता है। तो मैं यहाँ से अगर मैं इसको रूट तीन गुणित रूट तीन लिख सकता हूँ, तो एक रूट तीन कॉमन लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक रूट तीन बच जाएगा, क्योंकि रूट तीन गुणित रूट तीन कितना होता है, तीन होता है, है ना। तो यहाँ से एक एक्स बच जाएगा और रूट तीन बाहर निकल गया, माइनस का दो बच जाएगा। ओवरऑल देखोगे तो दोनों सेम बनना चाहिए, ठीक है, और माइनस कॉमन निकालोगे तो प्लस बन जाएगा। उसके बाद देखो दोनों साइड से रूट तीन एक्स प्लस दो बाहर निकालते हो तो बचेगा चार एक्स माइनस रूट तीन बनेगा। तो ये जो है इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, फैक्टराइज कर पाए आप इस चीज़ को।